वैष्णोदेवी मंदिर में आज घटी दुर्घटनास्थल गस्त करी केन्द्रमंत्री जितेन्द्र सिंह प्रधानमंत्री परामर्श से केन्द्रमंत्री घटनास्थल परिदर्शन करने हस्पिटाल चिकित्साधीन आहत श्रद्धालु को भेटे आहत अवस्था वर्तमान स्थिर रही। प्रतिवर्ष वैष्णोदेवी पीठ से भक्तों संख्या बढ़ुवर विकल्प व्यवस्था बाबद चिंता करकाश कर केन्द्रमंत्री इतना कम से कम इतनी संतोषजनक बात है कि जो यहाँ पर दाखिल हुए हैं वो स्थिर है, स्टेबल है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह भी हैं, अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। आईसीयू में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं, दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वल्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी, कभी कभी एनॉक्सिया हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज किए। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जान का खतरा उन पर भी हो। उसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति कॉमन वार्ड में है, जनरल वार्ड में, वो भी लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो दाखिल हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है। किस तरह की जांच के आदेश जो है आपकी तरफ से दिए गए हैं? जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अभी जब बैठकर बात करेंगे, कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशे, LED स्क्रीन्स लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है और सभी लोग इसी के लिए उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने पहली तारीख को ही आरती में भाग लेना है, आरती प्रार्थना में भाग लेना है या उसी दिन दर्शन करना है, तो क्या और विकल्प हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उनके दिल को तसल्ली भी रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो।